गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमने किया था हेक्सागोनल नट बनाया था हमने, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्क्वायर नट। स्क्वायर नट जो है वो कुछ इस शेप का होता है हमारे पास। स्क्वायर नट बेसिकली आपने देखा होगा बहुत जगह हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे स्पेस थोड़ा कम होता है वहाँ बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी, जहाँ पे हम बोर्ड को जब फिट करते हैं या स्विचेस लगाते हैं तो उसमें छोटा सा देखा होगा आपने एक नट लगता है, उसकी शेप जो होती है स्क्वायर होती है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं, ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि एक हमारा डिस्टेंस होता है अक्रॉस द फ्लैट, एक डिस्टेंस होता है हमारा अक्रॉस द कॉर्नर। अक्रॉस द फ्लैट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एफ से, और अक्रॉस द कॉर्नर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए सी से, ठीक है। एक हमारे पास एक हाइट थी, ये इसकी जो डी मैंने ली है, यह है इसकी हाइट ऑफ नट, ठीक। तो हमने देखना है कि ये ए एफ अक्रॉस द फ्लैट डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, कितना है इसका, अक्रॉस द कॉर्नर कितना है, और ये हाइट कितनी है इसकी, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं एक बार। इसमें हमारा स्क्वायर नट में जो होता है हमारे पास, वो हमारा अक्रॉस द फ्लैट डिस्टेंस जो हमारा होता है, अक्रॉस द फ्लैट जो डिस्टेंस है वो हम लेते हैं 1.5 d + 3, ठीक है। इसमें d हमने जो लेना है वो 24 ही लेना है, d जो लेना है वो लेना है 24 mm, ठीक है। फिर हमारे पास जो हमारा अक्रॉस द कॉर्नर जो डिस्टेंस होता है, अक्रॉस द कॉर्नर डिस्टेंस वो हमारे पास होता है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अक्रॉस द फ्लैट डिस्टेंस। ध्यान रखना है अक्रॉस द कॉर्नर डिस्टेंस जो हमारे कितना है, अंडर रूट 2 में अक्रॉस द फ्लैट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो कितना होगा, 1.414 मल्टीप्लाई बाय 1.5 d + 3, ठीक है। कल हमने यूज किया था 1.5 d, हम 1.5 d भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो हम इसमें हम ट्राई करते हैं, हम इसमें लेते ही 1.5 d है, जो हमने बोला था कल कि बाय डिफॉल्ट जो है वो 1.5 d होता है हमारा अक्रॉस द फ्लैट डिस्टेंस, ठीक है। इसमें हमारी जो हाइट होगी, इसकी हाइट ऑफ नट वो हमारे पास होती है d इक्वल, ठीक है। हमने कल जो बनाया था, जो हमने हेक्सागन नट बनाया था, वो हमने बनाया था अक्रॉस द कॉर्नर, है ना, अक्रॉस द कॉर्नर बनाया था, जिसमें हमें 3 व्यू दिख रहे थे, ठीक है। अब हम जो बना रहे हैं स्क्वायर नट, वो हम अक्रॉस द कॉर्नर भी बनाएंगे और हम बनाएंगे अक्रॉस द फ्लैट भी, ठीक है। तो हमने दो मेथडों से इसको बनाना है, एक बनाना है अक्रॉस द कॉर्नर लेके, एक हम बनाएंगे इसको अक्रॉस द फ्लैट से, ठीक है। पहले हम इसको बनाते हैं अक्रॉस द कॉर्नर, ठीक है। अक्रॉस द कॉर्नर जब हम इसको बनाते हैं तो अक्रॉस द कॉर्नर देखो हमें इसमें कितनी साइड्स जो है हमें नजर आ रही है इसमें, ठीक है। हम इसको देखें, हम इसमें अगर देखें तो हमें कॉर्नर टू अक्रॉस द कॉर्नर जो है वो हमें कितनी साइड नजर आ रही है, अक्रॉस द कॉर्नर का मतलब है हमें इसको कॉर्नर टू कॉर्नर देखना है, तो हमें इसके दो फेस नजर आते हैं, है ना, दो फेस नजर आएंगे, ठीक। इसको हम ऐसे, इसको हम इसके बजाय मैं इसका टॉप व्यू आपको शो कर रहा हूँ, इसको अगर मैं टॉप व्यू बनाऊँ उसका तो हमें टॉप व्यू में स्क्वायर ये कैसे दिखेगा, ये कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। अगर ये कॉर्नर टू कॉर्नर रखा है तो हम इसका टॉप व्यू ऐसे दिखेगा, अगर ये हमारा अक्रॉस द फ्लैट रखा है तो उसका टॉप व्यू कैसा नजर आएगा, वो हमें स्क्वायर नजर आता है, ठीक है। ये हमें रोम्बस टाइप हमारा एक नजर आता है जो अभी हमने अक्रॉस द कॉर्नर रखा हुआ है। तो इसमें देखोगे अगर हम इसको हम देख रहे हैं अक्रॉस द कॉर्नर, तो हमें इसकी दो साइड नजर आ रही है, एक ये, ठीक है। इसमें हमें देखो, अब इसको अगर मैं साइड देखूं इसकी, अगर मैं इसकी साइड देखता हूं तो साइड से क्या हो रहा है, साइड से भी हमें इसकी दो ही फेस नजर आएंगे, है ना, अक्रॉस द कॉर्नर, ये भी अक्रॉस द कॉर्नर, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारी साइड है, ठीक। तो साइड से भी हमें इसके दो ही नजर आते हैं, दो फेस, और हमारा फ्रंट से भी दो फेस नजर आते हैं। तो हम इसमें सिर्फ इसके दो व्यू बनाएंगे, एक हम इसका बनाएंगे फ्रंट व्यू, एक हम इसका बनाएंगे टॉप व्यू, ठीक है। इसको हम अक्रॉस द फ्लैट जो है हम इसको बाद में बनाते हैं, ठीक है। पहले हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं अक्रॉस द कॉर्नर, जिसमें हमें दो फेस नजर आते हैं।
अच्छा इसमें एक एक और हमारे पास एक डायमेंशन रह गई है, वो हमारा है एक हमारे पास रेडियस ऑफ चैम्फरिंग भी लगानी है हमने। अब रेडियस ऑफ चैम्फरिंग हमने कल देखी थी कि ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ चैम्फरिंग, ठीक है। और एक हमारे पास ये अंदर जो हमारे पास एक होल जो नजर आ रहा है इसका जो डायमीटर है वो कितना था, एक थ्रेडेड वाला जो सर्कल है उसका कितना होता है, ठीक है। हमारे पास इसमें रेडियस ऑफ चैम्फरिंग, रेडियस ऑफ चैम्फरिंग जो होगी वो हमारी वही है 1.5 d 2 1.75 d, कुछ भी ले सकते हैं इसमें, 1.5 d ले लो। कल हमने 1.5 d लिया था, हम आज भी इसको 1.5 d ले लो, ठीक है। आज जो हमारा हेक्सागल नट हमने किया उसमें हमने 1.5 d लिया था, तो हम इसको 1.5 d लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास एक मैंने बताया तुम्हें कि जो हमारा होल नजर आ रहा है ना, डायमीटर ऑफ होल तो हमारा सेम है डी डाया ओ होल इक्वल टू डी, ठीक है। और हमारा जो है डाया ऑफ थ्रेडेड होल बोल लो या थ्रेड्स बोल लो, डायमीटर ऑफ थ्रेड्स जो है वो कितना होगा हमारा, वो होता है हमारा उसको हम डी डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वो जो हमारा होता है वो हमारा होता है डी डैश जो हमारा होगा वो होगा हमारा 4/3 ऑफ डी, ठीक है। ये 4/3/d होता है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो क्या हमारे पास है, वो है हमारे पास कि डी जो हमारे पास है वो हमारा होता है 3/4 ऑफ डी डैश, ठीक है। डी डैश क्या है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ थ्रेडेड होल, ठीक है। ये हमें गिवन है तो हम डी निकाल लेंगे, डी गिवन है तो हम इसको हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम इसको बनाते हैं एक बार, इसको बना के देखते हैं। पहले हम इसको बना रहे हैं, इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम अक्रॉस द कॉर्नर, ये हम इधर बनाएंगे अक्रॉस द कॉर्नर। इसके तीन व्यू बना रहा हूं मैं, डी हमारे पास जो है वो है 24 mm, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास हमने एक सेंटर लाइन लेनी है, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन लेनी है। मैंने जैसे कल बताया था कि एक रेफरेंस लाइन ले लेनी है पहले, बिल्कुल लाइट सी, ठीक है। इसके बाद इसको मैं ऊपर शो इसको ऊपर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना, इसका फ्रंट व्यू, ठीक। फ्रंट व्यू कैसे बनाना है इसका, सबसे पहले हमने अक्रॉस द कॉर्नर डिस्टेंस लेना है। अक्रॉस द कॉर्नर डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, क्या था अक्रॉस द कॉर्नर डिस्टेंस हमारा, अक्रॉस द कॉर्नर डिस्टेंस था वो था हमारा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अक्रॉस द फ्लैट डिस्टेंस, है ना। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा ये निर्वाट कितना आता है, ये हो गया हमारा 1.414, है ना, मल्टीप्लाई बाय रेस ऑफ फ्लैट हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1.5 × में डी, है ना। ये जो भी आएगा हमारे पास यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेना आपने यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन करके जो भी आया वो हमने सेम डिस्टेंस हमने यहाँ पे ले लेना है, मैंने ले लिया यहाँ पे वो क्रॉस द कॉर्नर डिस्टेंस ले लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद इसमें जो हमारा क्रॉस द कॉर्नर जो डिस्टेंस आएगा वो हमारा आएगा, इसको हम कैलकुलेट करें तो आएगा नियर अबाउट 50.9 mm, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 50.9 mm की एक लाइन लगा लेता हूं मैं यहां पे, या 51 ले लेते हैं इसको अप्रॉक्स, ठीक है।
इसकी हाइट उठानी है, हाइट कितनी है इसकी, डी के इक्वल डी कितना 24, लाइन ऊपर ठीक है 24 यहां से ठीक। उसके बाद इसको यहां पे इसके बाद हमने इसमें क्या करना है, इसका सेंटर लाइन लेनी, सेंटर ले लेना इसका, इसके बाद कंपास लेनी है और इस पॉइंट पर रखना है कंपास को, यहां तक खोलना है, डी तक खोलना है, ठीक है, और एक बिल्कुल लाइट से एक आर्क लगा देंगे, लाइट से एक आर्क लगा दो यहां पे, ठीक है। इसके बाद कंपास को इस पॉइंट पर रखना है और एक आर्क और लगा देनी है, फिर इस पॉइंट पर रखना है एक यहां से आर्क, ठीक है। और बस दो पॉइंट आए हैं, एक ये वाला पॉइंट आया है यहां पे और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स के ऊपर कंपास को रखना है, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका हाफ करोगे तो ये हाफ दोनों का ये इन्हीं पॉइंट्स पे हमें मिलेगा। अगर इन दोनों का इस पोर्शन का सेंटर पॉइंट लेता हूँ, इस पार्ट का सेंटर पॉइंट लेता हूँ, तो हमें वो कहाँ मिलेंगे, वो हमें यहीं पे शो होंगे इसी के ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसकी रेडियस ऑफ चैम्फरिंग लगानी है, चैम्फरिंग लगानी है हमने तो उस पर, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे सेंटर पर रखनी है कंपास अपने और इसको यहाँ तक ओपन करना है, और ये एक आर्क लगा दीजिए, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमें फॉर्म होगा, ये विजिबल है हमारे पास, ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक 30 का एंगल है ना, 30 का एंगल लगाना है, 30 का एंगल लगेगा यहां पे एक, यहां पे क्या करोगे, यहां पे प्रोटेक्टर रख के वहां से हम 30 का एंगल लगा देना, ठीक है। और अब क्या करना है, इसका ये हमारा फ्रंट व्यू है, इसका टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू कैसे बनाएंगे, इसका सिंपल है, इसका टॉप व्यू बिल्कुल इसको इसके प्रोजेक्शंस नीचे बिल्कुल लाइट प्रोजेक्शंस जाएंगे, बिल्कुल लाइट इसकी प्रोजेक्शन नीचे, ठीक है। यहां से बस अब हमने क्या करना है, यहां पे कहीं भी एक पॉइंट ले लो, इस सेंटर लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट, तो वहां पे हमने क्या करना है, इसको सेंटर लाइन और ले लो यहां पर, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखो नीचे कैसा शो होगा, हमें जो नीचे वाला पोर्शन जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, मैंने दिखाया था कि वो कैसा बनता है, वो एक रोम्बस टाइप बनेगा। फ्रंट व्यू कैसा बनेगा,
अभी जो हमने बनाया है वो ऐसा बनता है, दो फेस दिखते हैं, 1 2 दो फेस दिख रहे हैं, ठीक है, और टॉप से हमें ऐसा दिखना है, थ्रोम्बोसाइट दिखेगा ना, तो हम इसको बनाते हैं। हमने क्या करना है, ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है और ये भी 90 का एंगल है, इसका हाफ कर लेना है, तो ये हमारे लिए अबाउट 45 डिग्री बनेगा ना यहाँ पे, चलो मैं इसको अप्रॉक्स 45 लेके बना रहा हूं। आप लोगों ने प्रॉपर इसको डी से इसको डी या प्रोटेक्टर से इसको प्रॉपर इसको डिवाइड करना 45 में, फिर इसके लाइंस लगानी है, ठीक है। ये हमारे पास दो लाइंस आ गई हैं, ठीक है, एक ये आ रही है एक लाइट से, एक लाइन आ रही है। अब हमने क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल लाइन, इस लाइन के जो डायगोनल्स आए हैं इसके पैरेलल लाइन, बिल्कुल पैरेलल यूजिंग ड्राफ्टर इस पॉइंट पे ले जाके एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल मैं लेके जाऊंगा लाइन को, और जब ये पॉइंट पे इस वाली प्रोजेक्शन इस वाले पॉइंट पे टच होगा तो उसको एक सीधी लाइन लगा देंगे। अब एक पॉइंट ये रहा हमारे पास, ठीक है, हमने क्या करना है, इसके पैरेलल लाइन लेके जानी है, इस वाले डायगोनल के पैरेलल लाइन, इसको बिल्कुल सीधा लेके जाना है, और जब ये यहाँ पे टच हो तो उसको ऐसे मिला दें, ठीक है। सेम इधर लगेगी लाइन, बिल्कुल पैरेलल लाइन इसके, ये हमने ऐसे लगा देनी है, और एक यहाँ से एक, ठीक है, ये हमारा एक स्क्वायर शेप में आना चाहिए। मैंने अभी इसको प्रॉपर 90 के एंगल्स नहीं लिए हैं, तो मेरा ये प्रॉपर स्क्वेयर शेप में, सॉरी 45 के एंगल मैंने प्रॉपर नहीं लिया है, तो इसलिए मेरा जो ये प्रॉपर एक स्क्वेयर, एक रोम्बस कह लो एक स्क्वेयर कह लो, हमारा प्रॉपर वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हमने क्या करना है, इसका एक इनर सर्कल लगता है ना, इनर सर्कल कैसे लगाना है, इसको यहाँ से हमने कंपास खोलनी है यहाँ तक ओपन करनी है, उसके बाद सर्कल लगाना है जो हर साइड्स को टच करता हुआ जाना चाहिए हमारा, ठीक है, एक इनर सर्कल लगेगा जो हर साइड्स को टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने लगाना है डी का सर्कल, डी कितना है हमारे पास, 24 है, 24 mm, तो 24 mm ओपन कर लेना है कंपास को, 24 mm, ठीक है, कंपास यहाँ रखनी है, सॉरी 24 mm हमारा डी है, तो इसमें हमारे पास ट्वेल्व एम एम हमारा कंपास ओपन किया मैंने, डी हमारा कितना है 24, ठीक है, तो हमें रेडियस लेनी है उसकी, ये हमें 12 mm यहाँ रखना है कंपास को, और इसको एक आउटर सर्कल लगा देना, ठीक है। इनर सर्कल कितना आएगा हमारे पास, इनर सर्कल मैंने बताया था
कि हमारा जो इनर सर्कल है वो कितना आएगा, हमने डिस्कस किया था अभी, कितना होता है वो, डी डैश कैसे आएगा, 4/3 इंटू में डी, है ना। तो उसको हम कैलकुलेट करते कितना आता है, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 3/8 का ये आ गया हमारे पास 32 mm, ठीक है। 32 का मतलब हो गया हमारे पास कितना, 32 का मीनिंग है हमारे पास कि कितना लेना है इसका, रेडियस जो हमने लेनी है वो लेनी है हमने 16 mm, ना? की रेडियस ले लो, सॉरी इसमें एक हमारे पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या है कि जो हमारा डी होगा वो हमारा होता है 4/3 इंटू में डी डैश, ठीक है, 4/3 तो हमारे पास यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ थ्रेडेड होल आएगा वो कितना आएगा, डी डैश जो आएगा वो आएगा 3/4 ऑफ डी। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 3/4 इंटू में डी कितना है 24, तो हमारे पास ये आ जाता है 18 mm, ठीक है। छोटी सी एक इसमें करेक्शन है, वो करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो हमें अभी कंपास कितनी ओपन करनी है, 9 mm, कंपास को ओपन करना है और इसको लगा देना है सर्कल हमारे पास। इसको यहाँ पे पूरा सर्कल नहीं लगाना है, यहाँ पे इसको छोड़ देना। मैंने कल बताया था कि ये रिप्रेजेंट करता है थ्रेड्स को, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी प्रोजेक्शंस, इनकी प्रोजेक्शंस वापस ऊपर लेके जानी है, क्योंकि हमारा जो अभी जो फ्रंट व्यू है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमने इसमें अभी, हमने इसमें क्या नहीं किया, अभी थ्रेड्स को शो नहीं किया है ना। ऊपर जाके क्या शो है, ये कैसे दिखेंगे हमें, डॉटेड लाइन आएंगी, डॉटेड लाइंस, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी, थ्रेड्स को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। ये हमारा था स्क्वेयर बोल्ट, स्क्वेयर नट हमारे पास अक्रॉस द कॉर्नर, इसी को हम इसको बनाए अगर हम अक्रॉस द फ्लैट, तो अक्रॉस द फ्लैट में क्या हमारे पास, अक्रॉस द फ्लैट बहुत सिंपल सा अक्रॉस द फ्लैट, इसमें क्या हमारे पास जो डी है सेम हम लेंगे 24 mm, ठीक है। और अक्रॉस द फ्लैट डिस्टेंस हमारे क्या होता है, वो होता है हमारे पास 1.5 डी, ये हमारे पास आ जाएगा 36 mm, ठीक है। इसको बनाते हैं हम, हाइट सेम है हमारे पास डी, जब हम इसको देखते हैं अक्रॉस द फ्लैट तो हमारे पास क्या नजर आएगा, एक हमें स्क्वायर नजर आता है। इसका टॉप भी कैसा नजर आएगा, सिंपल हमारे पास, सॉरी इसका फ्रंट व्यू कैसा नजर आएगा, टॉप तो ये रहा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या है, टॉप व्यू, फ्रंट कैसा नजर आएगा इसका हम देखें तो कुछ वो इस शेप का नजर आएगा, है ना, ये नजर आएगा। तो हमने यही बनाना है, ठीक, क्योंकि एक ही फेस नजर आता है इसमें, है ना, अक्रॉस द फ्लैट में। तो उसको बनाते हैं फटाफट जल्दी। सबसे पहले हमारे पास एक रेफरेंस लाइन, ठीक, एक्स वाई, उसके बाद हमारे पास अक्रॉस द फ्लैट डिस्टेंस ले लेंगे 36 है हमारे पास, 36 mm, ठीक। हाइट कितनी है इसकी, डी, डी कितना 24, ठीक है।
फोर एम एम ये रहा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट ले लेना है हमने, सेंटर पॉइंट आएगा इसका 12 एम एम पे, हाँ 36 है ना, तो उसका आएगा हमारे पास 18 पे, 18 ठीक है। इसके बाद हमारे पास रेडियस ऑफ चैम्फरिंग लगानी है 1.5D, 1.5D कंपास को ओपन कर लो, 1.5D कितना है 36 ही है, 36 mm मैं ओपन कर रहा हूँ कंपास, 36 mm फिर यहाँ रख के कंपास और एक ये रेडियस ऑफ चैम्फरिंग लगा देनी है यहाँ पे ठीक है। इसके बाद ये हमारा है फ्रंट व्यू, ठीक है। इसका टॉप भी कैसे बनेगा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। इसकी प्रोजेक्शंस को नीचे ले जाओ, इसकी प्रोजेक्शंस नीचे ले जाओ, बिल्कुल लाइट जाएंगे प्रोजेक्शंस, बिल्कुल हल्की ठीक है। उसके बाद कहीं भी सेंट्रल लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट ले लो, और हमें नजर क्या आता है, हमें कैसा दिखता है, अगर हम टॉप से देखें तो हमें एक स्क्वायर नजर आता है ना, स्क्वायर बनता है ठीक। तो स्क्वायर बना लो, इसका स्क्वायर कितना बनेगा, टॉप से 36 का एक स्क्वायर दिखेगा हमें, तो यहां पर हमारे पास हो गया 18 ले लो, 36 हो गया हमारे पास यहाँ पे, ये वाला ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास। उसके बाद सेम यहाँ से 18 डिस्टेंस ले लो, 18 हाफ लेके इसको 36 ठीक है, इनको मिला दो ठीक है। इसके अंदर इनर सर्कल इसका ठीक है। इसके बाद इनर सर्कल के बाद इसका होल वाला सर्कल जो हम बनाते हैं कितना लिखते हैं, डी है ना, डी हमारे पास है 24, तो 12 एम इसका हो गया रेडियस, इसका रेडियस हो गया यहाँ पे ठीक है, 12 mm का एक सर्कल। और उसके बाद हमारे पास इसकी रेडियस का सर्कल, रेडियस का कितना लगा था हमने, कितना निकाला था हमने, कैसे कैलकुलेट किया था हमने, 18 एम एम, उसका 9 एम एम हम खोल लेते हैं, इसको 9 एम एम रेडियस ले लो इसका ठीक है। और इसको इस सर्कल को भी हमने एंड तक बंद नहीं करना ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ पे 30 एंगल, यहाँ पे 30 एंगल शो करना है हमें ठीक है। ये हमारे पास हो गया इसका अक्रॉस द फ्लैट, हमारे पास हमने दो व्यू बनाए फ्रंट और टॉप। अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ से वापस प्रोजेक्शन ऊपर फ्रंट व्यू में ठीक है। ये क्या बनेगी, हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होल और थ्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रही है प्रोजेक्शन।
ठीक है, सेम यहां से ठीक। अब हमने दो चीजें बनाई हैं, एक हमने आज स्क्वेयर नेट बनाया है और स्क्वेयर नेट को दो मेथड से हमने बनाया है, ठीक है, अक्रॉस द कॉर्नर और अक्रॉस द फ्लाई, ठीक है, बहुत ही सिंपल है दोनों, ठीक है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई भी हमारा अगर कोई क्वेश्चन है, कोई माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट्स करके या मैसेज करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है।